छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, नेहरू युवा केंद्र का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर होना चाहिए था, क्योंकि स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके का कहना है कि जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री और बड़े नेता रहे हैं, लेकिन युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद हैं। इसलिए नेहरू युवा केंद्र की जगह इसका नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर होना चाहिए था। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि युवाओं ने स्वामी विवेकानंद को सदैव आदर्श माना है। सोच रही थी कि ये नेहरू युवा केंद्र की जगह, क्योंकि विवेकानंद युवा केंद्र होना चाहिए था, क्योंकि विवेकानंद जी ने युवा वर्ग को एक नेतृत्व दिया, एक नई दिशा दिया। और मेरा सुझाव है कि अगर ये नेहरू जी, मतलब नेहरू तो हमारे बड़े महान वो थे ही, देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन युवाओं के प्रेरणा सूत्र विवेकानंद जी। भोपाल में दिया राज्यपाल अनुसुईया उइके का यह बयान राजनीति में हंगामा खड़ा जरूर करेगा। उइके राज्य संग्रहालय में आयोजित नेहरू युवा केंद्र के युवा सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।